आप सभी का आज संधि के व्यंजन भाग में और आज व्यंजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे नियम हैं, जो व्याकरण विदों के द्वारा बनाए गए हैं, जो भाषा को उन्नत करने के लिए बनाए गए हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से आपके लिए सहायक हो सकते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करने में जो संधि से संबंधित होंगे। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि जब हम इसको परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि जब व्यंजन का मेल हम स्वर से या व्यंजन से करते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि की रचना होती है। यहां लिखा हुआ है कि यदि प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण हमारा व्यंजन होगा और द्वितीय शब्दांश का प्रथम वर्ण हमारा स्वर या व्यंजन होता है तो उनके मेल से व्यंजन संधि की उत्पत्ति होती है। तो व्यंजन संधि में जैसे कि अभी मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण के रूप में मैं यहां लिख देता हूं कि मैं यहां लिख रहा हूं जगत और यहां पर मैं लिख रहा हूं नाथ। तो जरा आप देखिए कि यहां पर जगत में हमें यहां मिल रहा है ए और यहां पर मिल रहा है ए और इन दोनों के मेल से हमारा बन रहा है जगन्नाथ। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो संधि शब्द बना है ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब हम व्यंजन संधि के पहले जो नियम है उस पहले नियम की ओर हम चलते हैं और पहला नियम यहां पर कह रहा है, आपने वर्ण विचार पढ़े होंगे तो मैंने उसमें बताया था कचोट तप। यदि हमारा कचोट तप मिलता है यानी कि हमें स्पर्शी व्यंजन का कोई भी प्रथम वर्ण मिलता है यानी कि क च ट त प मिलता है और उसमें हम किसी भी स्वर को मिला दें या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अगर हम मिला देते हैं क च ट त और प में और उसके अलावा भी यदि हम कोई अंतहस्त तो आप जानते ही है ना ये रे ले वे, यदि हम कोई अंतहस्त ले आते हैं यानी कि या र ल और वा को हम ले आते हैं किसमें कैच एट एप में यदि हम इसका मेल करते हैं तो वो श्योर है कि जो कैच एट एप वर्ग जो होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब कैसे होता है मैं फिर से बता देता हूं। यदि हमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग इन वर्गों का पहला कोई भी वर्ण मिलता है और उसके बाद हम कोई स्वर लेकर के आते हैं या हम वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण लेकर के आते हैं या कोई अंतस्त व्यंजन लाते हैं या रा ला व, तो श्योर है कि जो क च ट त प हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित हो जाते हैं जरा इस पर ध्यान देंगे। मैं आपको एक वर्ड बताता हूं यहां पर और जो एक पहला शब्द है वो यहां पर कह रहा है हमारा उद्घाटन। जरा ध्यान दीजिएगा उद्घाटन। तो जब हम उद्घाटन को देख रहे हैं यहां पर तो उद्घाटन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलेगा उत धन घाटन। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से मिला, तो देखिए इधर तो हमें मिल रहा है घे और घे जो है हमारा क ख ग घ यानी कि चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है ये घे? चौथा वर्ण हमें मिल रहा है। तो यहां पर जो ये तय है वो अपने तीसरे वर्ण यानी कि द में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बन जाता है आपका उद्घाटन। तो आपके समझ में यहां पर आ गया होगा कि ये जो तय है हमारा उद्घाटन, इसके नीचे हलंत होगा तो तय वर्ण किस में बदला है? तीसरे वर्ण में यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है क्योंकि घे हमें मिला है किसी वर्ग का चौथा वर्ण। दूसरे शब्द की ओर हम चलते हैं और देखिए दूसरा जो यहां पर शब्द दिया गया है वो दिया गया है दिगंबर। क्या दिया गया है? दिगंबर। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब इन्होंने यहां पर शब्द दिया है दिगंबर तो ये श्योर है कि एक संधि शब्द है।
तो दिगंबर में जब हम देख रहे हैं गै को, तो गै क्या है? हमारा तीसरा वर्ण है किसी वर्ग का, और तीसरा वर्ण किसका है? क वर्ग का तीसरा है। तो जब ये क वर्ग का तीसरा है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम इसको बनाते हैं यहां पर दिक धन अंबर। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि यहां तो क वर्ग है, यानी क वर्ग का प्रथम अक्षर है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ए दिया है। तो जब क के साथ आप किसी स्वर को मिलाएंगे तो क किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। तो यहां पर हमें क मिल गया, तो ये बन जाता है दिगंबर। तो आप समझ गए होंगे इसे भी। चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब हम एक और शब्द लेते हैं, तो एक शब्द जो और हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है अजंत। और जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम अजंत की बात कर रहे हैं तो अजंत को जब हम देखें तो च वर्ग का तीसरा है। ये किसका है? च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो सीधा सा हमें यहां पर क्या करना होगा कि अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, ये च यहां पर तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है क्योंकि बाद में स्वर है तो अजंत यहां पर ये हो जाता है। तो आप इसे भी आसानी से यहां पर समझ गए होंगे। फिर से यहां से हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से, और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक और शब्द हम नंबर चार ले लेते हैं, और नंबर चार पर जो हम शब्द ले रहे हैं वो शब्द है आपका सडानन। क्या है? सडानन। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम सडानन शब्द की बात कर रहे हैं तो टे वर्ग का तीसरा वर्ण है। किसका है? टे वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो टे वर्ग को यहां पर लाएंगे, और टे वर्ग में भी प्रथम तो सट बचा, और यहां पर क्या हो गया? आनंद, क्योंकि यहां पर बाद में स्वर है, तो यहां पर आ एक स्वर है, ठीक है ना, और यहां पर ये टे प्रथम शब्द दिया है, किस प्रथम वर्ण दिया है, किसका? टे वर्ग का। तो कौन से में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे, यानी कि सडानन, ये यहां पर बन जाएगा। इसी प्रकार से चलिए हम इसमें एक और लास्ट देख लेते हैं, नंबर पांच। और नंबर पांच यहां पर कह रहा है तद्रूप। जरा ध्यान दीजिएगा, तद्रूप। और जब हम तद्रूप की बात कर रहे हैं, देखिए जो यूपीएसआई अभी आने वाला है, अन्य स्टेट्स के भी एसआई आने वाले हैं, डीएसएसबी भी आने वाला है, उनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तद्रूप की हम बात करें तो देखिए यहां पर जो दय है वो तीसरा वर्ण है, राइट। मैं देखिए बार बार लिख रहा हूं इनको, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, और किसका है वो प्रथम, देखिए इसमें तत् तय वर्ग का है, तो यहां पर तत् धन क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। और जब हम कहते हैं यहां पर रे की बात करते हैं तो रे इसमें अंतःस्थ है, तो जब तय के साथ हम रे को जोड़ेंगे तो श्योर है कि ये जो तय दिया है ये किस में बदल जाएगा? ये तीसरे में बदल जाएगा और ये तद्रूप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि के उदाहरण है। और ये क्या है मैं फिर से बता दूं, यदि कचोट तक में हम कोई भी स्वर लेकर के आते हैं, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा हम कोई भी वर्ण लाते हैं, या हम उसके स्थान पर यार लावा यानी कि अंतःस्थ लेकर के आते हैं, तो के चे टे ते पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ये जो पहला नियम था उसे बहुत अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे। हम बिना समय गवाए नंबर दो जो नियम है कैचे टे ते पर लिखा हुआ वो हम आपको बताते हैं और उसे आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए वो भी इसी से संबंधित है कि यदि आपको के चे टे ते और पे दिया गया है, यदि इनमें से कोई भी आपको वर्ण दिया गया है और उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण दिया गया है, अनुनासिक आप जानते ही होंगे, मैं नयंग, अब जब ये जो नाक से बोले जाने वाले व्यंजन है वो दे दिए जाए, जैसे मैं और ने आदि होते हैं, तो श्योर है कि ये जो वर्ण है हमारे ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे? पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे यदि अनुनासिक इनमें दिया जाता है। तो कैसे समझे हम इसे? वही हम इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए एक वर्ड दे दिया जाता है
उन्मत्त, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्मत्त, और वो कहता है कि इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको यहां पर एक वर्ड दिख रहा है मत, ओके, और इधर आपको दिख रहा है उन, तो श्योर है कि उनको ये देखिए कि किस वर्ग का पांचवा है, तय वर्ग का, त थ द ध न, तो यहां पर आपको क्या लाना होगा, त क्यों लाना होगा, क्योंकि इसके बाद क्या दिया है आपको, ये अनुनासिक, तो जब तय के साथ हम अनुनासिक यानी मैं जोड़ेंगे तो श्योर है कि वो कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवे में, यानी कि ये बन जाएगा उन्मत्त हो जाएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहां पर एक वर्ड दिया गया है सन्मास, अब की बार मैं इसे उल्टा कर देता हूं, यहां पर ऐसे दे दिया जाए सट धन मास, तो आप कैसे समझेंगे कि ये व्यंजन संधि है और इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए कि जो यहां पर मैं दिया गया है ये क्या है, अनुनासिक है, यानी कि पांचवा वर्ण है किसी वर्ग का, अनुनासिक है, और यहां पर दिया गया है टै वर्ग, अब जब टै पहला यहां पर वर्ण है और पांचवा है तो टै किस में बदलेगा, अपने पांचवे में बदलेगा, तो जब टै का पांचवा देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अण, तो सण मास हो जाएगा, तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सण मास। और याद रखिएगा हमेशा अर्ध वर्ण के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा। अब हम यहां से फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए यहां पर एक और शब्द दिया गया है, और शब्द दिया गया है सन्मार्ग, अब की बार मैं एक संधि शब्द ले लेता हूं, और सन्मार्ग को जब हम यहां पर देख रहे हैं तो देखिए इसमें हमें एक शब्द बिल्कुल सीधा स्पष्ट मिल गया है मार्ग, तो यहां पर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, से, और ने को अब आप ये देख लीजिए, जब अनुनासिक हमें मिल गया है, ने हमें मिल गया है, तो किस वर्ग का पांचवा है बताइए, हमें किस वर्ग का पांचवा है, तय थ द ध न, तो सीधी सी बात है कि आप यहां करेंगे क्या, ता लगा देंगे, और सत धन मार्ग बराबर क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए एक और शब्द देख लें, और एक शब्द दिया है हमारा चिन्मय, क्या दिया गया है, चिन्मय, अब देखिए चिन्मय कैसे बना, यहां उसने लिख दिया चित, यहां लिख दिया मय, और कहा कि बताइए कौन सा संधि शब्द सही होगा, आपको दिख रहा है कि अनुनासिक है ये मय है, तो यहां पर जो मय है अनुनासिक है, तो तय जो यहां पर दिया है तय में जब अनुनासिक लगाएंगे तो तय पांचवे में बदल जाएगा, और पांचवे में तय का क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा, तो बराबर ये क्या बन जाएगा, चिन्मय बन जाएगा, और ये आपका जो आंसर है वहां पर सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो दोनों मैंने अभी यहां पर आपको समझाए हैं नियम, वो आपके समझ में व्यंजन संधि से अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब हम यहां से तीसरे नियम की ओर बढ़ेंगे, और तीसरे नियम को देखते हैं कि वो क्या कहता है, लेकिन इससे पहले मेरी तरफ से एक सुझाव है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन ने हम लोगों को आलसी बनाने की कोशिश की है, तो मैं बता दूं कि वो लोग कभी आलसी नहीं बना करते हैं कि जो कर्म में लीन रहा करते हैं। अब जब आपको मालूम है कि परीक्षा आज ना तो कल होनी है, तो फिर हम इसे पढ़ाई क्यों ना करें, तो इससे संबंधित जितने भी विषय हैं हम उनकी पढ़ाई करते रहें और उस समय का सदुपयोग करें। देखिए नंबर तीन को देखिए, नंबर तीन यहां पर कह रहा है, हमारा जो नियम है नंबर तीन नियम कह रहा है कि यदि हमारा कोई भी स्वर दिया हो, या तो ह्रस्व स्वर दिया हो या दीर्घ स्वर दिया हो, देखिए मैंने वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ स्वर को पढ़ाया था कि ह्रस्व स्वर चार होते हैं, यानी मूल स्वर चार होते हैं, दीर्घ स्वर सात होते हैं। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको वर्णमाला का जो प्रथम भाग है उसको अवश्य देखना होगा, क्योंकि वर्णमाला का संधि में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ह्रस्व या दीर्घ स्वर में यदि हमको छह मिल जाता है, यदि एक तरफ हमारा ह्रस्व या दीर्घ स्वर होता है और एक तरफ क्या होता है छह, तो ये श्योर है कि छह के पूर्व हमको अर्ध छह लगाना होता है। आप इसे एक ना समझें, आप इसे क्या समझें, अर्ध छह समझेंगे, तो हमें वहां पर अर्ध छह लगाना होता है। जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, एक वर्ड आपको दे दिया जाता है ग्रह, और यहां पर दे दिया जाता है छिद्र, और कह देता है कि इसका सही संधि शब्द जो है वो क्या बनेगा, ग्रह धन छिद्र का जो सही संधि शब्द है वो
क्या बनेगा, तो आप बड़ी आसानी से उसे बता सकते हैं, क्योंकि इधर छह पहले आ रहा है, छह छह के बाद ई की मात्रा है। आप गलती से ई की मात्रा को पहले ना समझ लें, कुछ मेरे भाई बहन ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन इसमें छह को पहले पढ़ा जाएगा। तो इधर है तो है जब हमारा यहां पर दिया, तो इसमें ए आ जाता है ह्रस्व स्वर, और इधर आ जाता है छह। तो हम जब इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा ग्रह छिद्र, यानी कि छह से पहले हमको क्या लगा देना होगा, छह को ऐड कर देना होगा। इसी प्रकार से वो दूसरा ऐसे कर देता है, ये कुछ नहीं, आप बताइए कि पदच्छेदक की बार वो इसको उलट कर देता है, कि जो पदच्छेद यहां पर संधि शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो देखिए आप इसे समझिएगा कि वो यहां पर कह रहा है, हमें दिखा यहां पर कि यहां पर तो पद है हमारा और यहां पर क्या हो जाता है छेद। तो आप जब पद बोल रहे हैं तो दे में हमको ए दिखाई दे रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहा है, इधर छह है तो हमें अर्ध छह मिल जाता है। तो ये व्यंजन संधि है और इसमें जो अर्ध छह वाला नियम है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से और एक वर्ड देख लेते हैं, नंबर तीन, और नंबर तीन हमारा वर्ड मिलता है आच्छादन। क्या मिलता है, आच्छादन। तो जब हम आच्छादन की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर आ हो जाता है और यहां पर छादन हो जाता है। तो छादन में आपको क्या मिल रहा है, आपको छह मिल रहा है और इधर आपको दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है और इधर छह है, तो श्योर है कि यहां पर छह आना अनिवार्य है। तो ये क्या बन जाता है, आच्छादन बन जाता है। तो शायद आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इस पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो देते रहें। अब यहां से हम आगे बात कर रहे हैं और नंबर फोर की बात कर रहे हैं। तो नंबर फोर यहां पर कह रहा है परिच्छेद। तो जरा देखिए कि अगर उसने यहां पर एक संधि शब्द दे दिया है परिच्छेद, तो श्योर है कि जब हम इसे देखेंगे तो हमें क्या मिला, परि, और धन में क्या मिलता है छेद। तो परि में हमको छोटी ई मिल रही है, आप देख रहे हैं परि छोटी ई और इधर छह मिल रहा है, तो छोटी ई ह्रस्व स्वर है, इधर छह है, तो श्योर है कि हमें क्या लाना पड़ेगा, छह लाना पड़ेगा। और इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाता है, परिच्छेद बन जाता है। तो ये जो हमारा यहां पर नियम है वो किससे संबंधित है, वो नियम संबंधित है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद आ जाता है तो आपको क्या करना है, छह आ जाता है तो वहां पर छह को ऐड करना होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से आगे, और आगे की यदि हम यहां पर बात करते हैं तो नेक्स्ट पर जो हम यहां पर नियम देखेंगे नंबर चार, वो भी बहुत ही अनिवार्य है, और जो पहली परीक्षाएं हमारी, चाहे वो यूपी टेट की हो या सीटेट का हो या हमारा DSSSB हो, इस प्रकार से जितनी भी परीक्षाएं आई हैं उनमें इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि यदि आप मैं का मेल, किसका मेल, मैं वर्ण का मेल, यदि आप किसका मेल, मैं वर्ण का मेल, यर लव, जानते हैं ना यर लव क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, यर लव, यदि यर लव या ऊष्म व्यंजन की बात करें, यदि स स स और है, यदि इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन मैं से मेल करते हैं, तो जो मैं होता है ना, ये जो मैं होता है ये अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि अंग की बिंदी जो होती है उसमें इसे बदल दिया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, यर लव हमारे क्या है, आप बताइए जल्दी से मुझे, यर लव जो है हमारे अंतःस्थ है और ये क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे अंग में बदलता है। सपोज कीजिए उसने यहां पर पहला एक नियम दे दिया कि बताइए कि ये जो संरक्षा शब्द है इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो स और रक्षा, ठीक है। अब जब आपने देखा स और रक्षा, तो इधर तो हमें र मिल जाता है और इधर हमें क्या मिल रहा है, स, तो अंग की बिंदी जो है वो किस में बदलेगी, यहां मैं में बदल जाएगी। तो जब मैं का मेल हम र से करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंग की बिंदी में हो जाएगा और ये संरक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा यहां पर शब्द लाते हैं, और दूसरा शब्द अगर वो ऐसे दे दे कि यहां पर स्वयं दे दिया और यहां पर वर दे दिया और कहा कि बताइए कि इसका जो संधि शब्द है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा यहां पर स्वयं
यानी कि मैं उसमें चला जाएगा अंकी बिंदी में, और ये वर क्यों चला जाएगा, क्योंकि इधर वह दे दिया है, इधर मैं दे दिया है, तो श्योर है कि ये किस में जाएगा, अंकी बिंदी में चला जाएगा, अंगा में चला जाएगा। समझ में आया। नंबर थ्री को देखते हैं। नंबर थ्री बोला उन्होंने संयोग। अब जब वो संयोग शब्द दिया है तो आप क्या करेंगे यहां पर, सा और यहां पर क्या हो गया, योग। तो आप जरा ध्यान दीजिए, तो अंकी बिंदी किस में जाएगा, मैं में चला जाएगा, और यहां पर समधन योग हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, संयोग। चलिए इसी पर ही एक और लास्ट शब्द देख लेते हैं इस नियम पर, और नियम पर जो लास्ट शब्द है वो बन जाता है यहां संसार। हम देख रहे हैं तो संसार को देखें तो इधर तो हमें सार मिल रहा है और इधर मिल रहा है सा। तो ये जब से इधर हमें दिखाई दे रहा है तो इधर जो अंकी बिंदी है वो किसमें बदलेगी, मैं में, तो समधन सार इजिकल टू क्या हो जाएगा, संसार यहां पर ये हो जाएगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट नियम और देख लेते हैं इसका, ठीक है, जो इसका यहां पर नेक्स्ट है और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो इसका मेरी नजर में एक अंतिम नियम यहां पर मैं बता रहा हूं। देखिए नियम बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें क्या देखना है कि जो एग्जाम हमारे आए हैं पूर्व में उनमें से किस किस नियम पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये आज के लिए काफी रहेगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि यदि प्रचरा से आ जाता है और उसके बाद ताया थे दे दिया जाए, यदि प्रचरा से मिल जाता है और उसका मेल ता या था से हो जाता है, किससे हो जाता है, ताया था से, तो ता जो परिवर्तित हो जाता है वो टे में और जो थे होता है वो परिवर्तित हो जाता है ठे में। याद रखिएगा, यदि प्रचरा से का मेल हम कर लेते हैं तो अब जरा इसे हम देखने की कोशिश करेंगे ये कहता क्या है। तो देखिए आप इसे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि अभी एक वर्ड दे दिया जाता है यहां पर और वर्ड यहां पर कहता है मान लीजिए कि षष्ठ, क्या कहता है यहां पर वो शब्द, षष्ठ कह देता है, क्या कह रहा है यहां पर, षष्ठ की वो बात करता है। तो जब आप षष्ठ लिखेंगे तो आप ऐसे ही तो षष्ठ लिखेंगे, तो जब तो षष्ठ को जब हम देखें और षष्ठ को जब हम तोड़ने की कोशिश यहां पर करें तो हमें ये मिलता है यहां पर सस धन ट। तो ये जो सस धन टा है तो ये टा किसमें चला जाता है, ठे में, और षष्ठ यानी कि छह ये बन जाता है एक सार्थक और सही शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से चलिए हम दूसरा भी एक उदाहरण ले लेते हैं और दूसरा उदाहरण वो ऐसे दे दे कि यहां दे देता है वो प्रस, क्या दे देता है, प्रस, और यहां पर दे देता है वो था और कह देता है कि बताइए इसका संधि शब्द क्या बनेगा। तो श्योर है कि जो इसका संधि शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, प्रस्थ बन जाएगा। और वो प्रस्थ कैसे बन जाएगा कि यहां पर वो तय भी दे सकता है जैसे कि मैंने लिखा, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर ता, तो ये ता किस में बदल जाएगा, था में, तो यहां पर ये बन जाएगा प्रस्थ। इसी प्रकार से हम तीसरा एक और शब्द यहां पर ले लें और शब्द दिया जाए आपका आक्रस, और यहां पर जब वो आक्रस में तय को मिला देता है लाकर के तो वो कहता है कि अब ये बताइए कि जो इसका संधि शब्द है वो क्या बनेगा। तो आक्रस का जब हम तय का यहां पर मेल करेंगे तो आक्रस्त नहीं बनता, आक्रस्त नहीं बनता, तो सही शब्द बनता है आक्रस्त। और आक्रस्त जब वो शब्द बनता है तो वो आक्रस्त ही यहां पर वो सही बन जाता है। अब यहां पर लास्ट और एक शब्द देख लेते हैं और वो यहां एक शब्द दे दे कि देखिए तुष्ट शब्द यहां दिया गया है और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या बनेगा। तो हमें लिखना होगा तुष धन तय, तो जब ये तय होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में, तो तुष्ट धन तय, तो तुष धन तय इजिकल टू हो जाएगा हमारा तुष्ट के। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि जो हमारा व्यंजन संधि है, संधि में जो उसका भेद है, उसे हम जो महत्वपूर्ण नियम है उन्हें कैसे हम अच्छे से देख सकते हैं, कैसे एग्जाम में उन्हें नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगला जो हमारा अब इसका भेद है विसर्ग संधि वो जल्दी ही प्राप्त करेंगे मेरे द्वारा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, फिर मिलता हूं आप लोगों से, धन्यवाद।